हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 6.7। आगे हमने एक्सरसाइज 6.7 के क्वेश्चन नंबर ए एंड बी कंप्लीट किए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सी का। 1. सॉल्व द फॉलोइंग्स। चमन टुक 5/8 ऑफ एप्पल जूस टू स्कूल। ही ड्रैंक 1/10 ऑफ इट इन स्कूल। हाउ मच ऑफ एप्पल जूस डिड ही ड्रैंक, हाउ मच ही लेफ्ट। तो कितना एप्पल जूस उसने पिया होगा और कितना छोड़ दिया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करने का है, 5/8 मल्टीप्लाई 1/10। तो यहाँ पे 5 1 5 2 10 होता है, तो 5 1 5 और 5 2 10 नीचे आ गया 10। तो 5 1 तो 1 1 1 8 2 16। तो 1/16 एप्पल जूस इसने ड्रिंक मीन्स पिया होगा। फिर एक जूस लेफ्ट, तो जो जूस लेफ्ट कितना किया वो कैसे आएगा, तो जितना पिया है वो माइनस करेंगे। तो कितना इसने ड्रिंक किया है, 1/16 ड्रिंक किया है, तो होल कितना था, सारा कितना था, 5/8 था। तो 5/8 माइनस 1/16 करने का है, तो एलसीएम आएगा 16। एलसीएम निकालेंगे तो ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो इसलिए माइनस करने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम आया 16। तो 5/8 मल्टीप्लाई 2/2, क्योंकि 8 2 16 होता है, तो और फिर 1/16, तो 16 1 16, तो मल्टीप्लाई 1/1, 5 2 10 16 माइनस 1/16, तो 9/16 उसने लेफ्ट किया होगा। तो ये आंसर आ गया 1/16 एंड 9/16। पीछे इसका आंसर रॉन्ग दिया है, 15/16 वो रॉन्ग आंसर है, इसीलिए आप बरोबर ध्यान से पढ़ने का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सी का 2। एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट वॉज गिवन टू क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट। इट वॉज फाउंड दैट 5/7 ऑफ स्टूडेंट गेव ऑल करेक्ट आंसर। हाउ मैनी स्टूडेंट मेड वन और मोर मिस्टेक। कितने स्टूडेंट ने मिस्टेक की होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करने का है कि टोटल स्टूडेंट्स 49 है, तो कुछ नीचे नहीं दिया है, तो हमें 1 रख देने का है। तो 49/1 माइनस 5/7। तो पहले सबसे माइनस करेंगे इसको और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो 7 7 49, ठीक है। तो 49 7 कट हो गया, 7 7 और ऊपर 49 के प्लेस पे आ गया 7, तो 7 5 35। तो 49 में से माइनस किया 35, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 14 स्टूडेंट मेड वन और मोर मिस्टेक्स। तो ये हो गया हमारा सम नंबर एक्सरसाइज 6.72। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीट हो जाती है और हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 6.8। तो इसमें क्या करने का है, इसमें मल्टीप्लाई करने का है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.8। इसमें फर्स्ट सम है 12 मल्टीप्लाई 2.1/6। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे कि 12/1, क्योंकि आप जानते हो कि कुछ नहीं है तो नीचे 1 रखने का है। तो 12/1 मल्टीप्लाई 6 2 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 13/6। ये हो गया सॉल्व। फिर आगे का स्टेप रखने का है, 12 मल्टीप्लाई 13 नीचे 1 मल्टीप्लाई 6। तो 6 2 12 होता है, तो 6 1 6 और ऊपर आएगा 2, तो 13 2 26। तो यहाँ पे 26 आंसर आ गया है, उसे कट कर सकते हैं और डिवाइड भी नहीं, क्योंकि ओनली 26 आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.8 का
नंबर सेकंड सम, ठीक है। तो 9 × 3.1/7, तो 9 ये कुछ नहीं है इसलिए हमें 1 रख देंगे। तो 9 × 1 × 3 7 × 3 = 21 + 1 = 22/7। फिर हम साथ में रख देंगे 9 × 22 और नीचे 1 × 7। तो यहाँ कुछ भी कट नहीं होता है। तो 9 × 22 × 9 करेंगे तो 198 आंसर आएगा, नीचे 7। तो 7 छोटा है वो बड़ा है, तो हमें उसे 198 को 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने ये नहीं किया दिखाया, लेकिन आपको डिवाइड करने का है तो आंसर आएगा 28.2/7, ठीक है। उसके बाद का सम है सम नंबर 3। तो 3 में क्या है, 3.1/7 × 7/4। तो 3 × 12 + 1 = 13/4 × 7/4। अब हम उसको साथ रख देंगे। तो 13 × 7 = 91 and 4 × 16। तो फिर नीचे 16 है ऊपर 91 है, तो ये 91 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक करके दिखाया है, आपको सब ऐसे करने का है। तो आंसर आएगा 5.11/16। अब हम करेंगे सम नंबर 4, 5.2/7 × 7/3। तो ये हम बराबर लिखेंगे कि 5 × 7 = 35 + 2 = 37/7 × 7/3। दोनों 7 निकल जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 37/3। तो 37 को 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो 12 × 36 + 1 = 37। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ है 11 8.3/11 and 22 / 27। तो यहाँ पे 91/11 × 22/27। तो यहाँ पे 11 2 सा क्या होता है, 20 होता है, 11 1 सा 11 और ऊपर 20 ऊपर 2। तो 91 2 सा 182, उसको हम 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6.20/27। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6, 6 में है 8.2/5 × 5/6 = हाँ, तो फिर हम यहाँ पे 42/5 × 5/6। तो 6 7 सा 42 होता है और 5 और 5 भी कट हो जाता है, तो क्या आंसर आया, 7, ठीक है। तो उसे कुछ नहीं करने का क्योंकि अकेला 7 ही आंसर आ गया है। अब एक क्वेश्चन सम नंबर 7, 5.1/3 × 3.7/8। तो 3 × 5 = 15, तो +1 = 16/3 × 8 = 24 + 7 = 31/8। 16/3 and 31/8 = 31/8। तो 8 2 = 16 होता है, 8 1 = 8 और हो गया 2। तो 31 2 = क्या आएगा, 62 / 3, ठीक है। तो 3 62 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 23 + 60 + 2 = 62, 20.2/3 आ गया आंसर। ये हो गए सम नंबर 6,
6.8 के सम नंबर 1, 2, 7। तो आप आई होप यू अंडरस्टैंड वर्ड ऑफ सम एंड राइट डाउन इन द मैथ्स नोटबुक एंड होमवर्क। तो आगे फिर कराऊंगी। थैंक यू।